हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैशन एंड ब्लॉग्स विद कृष्णा। आज मैं आपके साथ इस मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग हॉल शेयर करने जा रही हूँ। कुछ मैंने डीमार्ट से शॉपिंग किया है और कुछ लोकल शॉप से लिया है। बहुत सारे आइटम्स मुझे डीमार्ट में नहीं मिले, मुझे लोकल शॉप में लेना पड़ा। डीमार्ट से मैं अगर शॉपिंग करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि लोकल शॉप में MRP या MRP से 1 रुपया कम में ही मिलता है। वहीं मैं डीमार्ट में परचेस करूँ तो मुझे सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 5 रुपीज़ से लेके 50-60 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिलता है अगर आइटम्स बड़ा ली तो। मैं ज़्यादातर अपनी मंथली शॉपिंग डीमार्ट से करती हूँ, आपने मेरा लास्ट वीडियो भी देखा होगा। चलिए देखते हैं मैंने लॉकडाउन में क्या क्या होम नीड्स परचेस किया है। ये सारे प्रोडक्ट्स मैं 3 डेज बिफोर ही लेकर आई थी। इसे सबको सैनिटाइज कर मैं बालकनी में रख दी थी, आज ही अंदर लाई हूँ। बाहर से जो भी आइटम्स आता है मैं उसे बालकनी में रख देती हूँ 3 डेज के लिए, उसके बाद ही यूज़ करती हूँ। वेजिटेबल और डेयरी प्रोडक्ट्स को मैं अच्छे से वॉश करके उसे ड्राई करके फिर फ्रिज में स्टोर कर देती हूँ सेम डे ही, क्योंकि वेजिटेबल्स और डेयरी प्रोडक्ट्स बाहर रखो तो जल्दी ख़राब हो जाता है। दूध को भी मैं अच्छे से बॉइल करके ही फ्रिज में रखती हूँ। डीमार्ट में अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, हमें बहुत ही कम ही मिल रहे हैं आइटम्स, सो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मुझे बाहर से ही लेना पड़ा। लॉकडाउन में हम बाहर से कुछ भी फूड ला नहीं सकते, इसीलिए हमें अपने बच्चों के, अपने फैमिली मेम्बर्स के पसंदीदा फूड्स को घर पर ही बना के परोसना है और उन्हें रेस्टोरेंट को ज़्यादा मिस करने नहीं देना है। बिस्कुट्स और रस्क मैं कुछ ज़्यादा ही लेकर रखती हूँ अभी लॉकडाउन में, क्योंकि बेटे को कभी कभी दूध के साथ या कभी उन्हें उसे खाने का मन हो, इंस्टेंटली स्नैक्स बना के नहीं दे पाऊँ तो एक एक मैरी गोल्ड दे देती हूँ। मैरी गोल्ड के साथ चीज़ का टॉपिंग वगैरह करके दे दो तो इवनिंग का स्नैक्स हो ही जाता है। अभी घर पे रहते हैं, पूरा दिन घर पे खेलते रहते हैं, हस्बैंड भी काम करते रहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ देते रहना। 2 आवर्स वंस हम कुछ ना कुछ स्नैक्स लेते रहते हैं तो फ्रूट्स ज़्यादा लेते हैं। कभी कभी फ्रूट्स खाने का मन नहीं होता तो मैं ऐसे बिस्किट्स या इंस्टेंटली कुछ भी स्नैक्स बना कर दे देती हूँ। उस इंस्टेंट स्नैक्स बनाने के लिए मैंने पूल मखना, पोहा 2 kg लिया हुआ है और पफ्ड राइस, ये सब लेकर रखने से बहुत यूज़ होता है। पोहा से बहुत सारे इंस्टेंट स्नैक्स बना कर दे सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रखने जैसा ही सामान ले लिया है कि बार बार बाहर नहीं जा सकते, और लास्ट मंथ भी मैंने ज़्यादा ही सामान लिया था तो उससे भी कुछ आइटम्स बचा है, और जो जो नहीं है और जो जो लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करके रख सकते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स मैंने लिया है। डीमार्ट्स में बिस्किट्स लेने से हमें 5 से 10 रुपीज़ का सेविंग हो ही जाता है। बूस्ट 750 ग्राम्स लेने पर मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिला। मैं इस बार ज़्यादा प्राइस मेंशन नहीं कर रही हूँ, लास्ट मंथ वाले ग्रॉसरीज में मैंने एक एक प्रोडक्ट्स पर मुझे कितने कितने डिस्काउंट मिले हैं वो मैंने मेंशन किया हुआ है। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। पफ्ड राइस में ऑनियंस, चिली, टमाटोज कट करके बच्चों को मिक्स करके दो तो हेल्दी भी होता है और अच्छा भी लगता है। इवनिंग में चाट जैसे खाने में कुकुम्बर है तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। और बहुत से ग्रोसरीज मुझे नॉन ब्रांडेड ही मिला। मैं जो ब्रांड लेती हूँ वो मैक्सिमम आइटम्स उसमें अवेलेबल नहीं थे। मैं उदयम ब्रांड का यूज़ करती हूँ, नहीं तो श्री गोल्ड, वो मुझे अभी मार्केट में बहुत ही कम मिले, अवेलेबल नहीं है। इवन बासमती राइस भी मैं दूसरे ब्रांड का यूज़ करती हूँ, वो नहीं मिला तो मेरे हस्बैंड ने ये ला दिया। अभी हमें बहुत कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है, जो मिले अभी वही लेना है। ज़्यादा घूम नहीं सकते, घूम घाम के आइटम्स नहीं लेकर आ सकते। नूडल्स 1 ही पैकेट ली हूँ, वो भी मेरे बेटे ने बहुत रिक्वेस्ट किया तभी मैंने मंगाया है। पास्ता, वीट पास्ता लेती हूँ, इससे भी एक क्विकली ब्रेकफास्ट बन जाता है। चीज़ वगैरह मैंने फ्रिज में लेकर स्टोर किया हुआ है। मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, मैं मोस्टली हर तरह के डिशेस घर पर ही ट्राई करती हूँ। तीनों पैकेट घर में रखना अच्छा होता है, इमरजेंसी के लिए यूज़ हो जाता है। सोप्स वगैरह मैंने 1 मंथ बैक ही शॉपिंग किया था, वही उस समय मैंने ज़्यादा लिया था तो इस बार कम ली हूँ। इस बार ज़रूरी नहीं था फिर भी मैं लेकर रखी हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा रख लो तो अच्छा होता है।
टॉयलेटरीज वगैरह सब कुछ ज़्यादा दिन तक स्टोर रहता है, तो सब ज़्यादा लेकर रख ली हूँ। ध्यान रहे कि आप जो भी प्रोडक्ट लें तो उसका एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें, मिनिमम 3 मंथ्स तक का तो एक्सपायरी डेट उसका रहना चाहिए, वरना जल्दी ख़राब हो जाएगा। लॉकडाउन में हमसे डेट्स ली हूँ बेटे को, वो भी डेली देती हूँ, बहुत ही अच्छा है डेट्स। इस मंथ मैंने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया है, लास्ट मंथ मैं लेकर आई थी वही अभी बहुत सारा बचा हुआ है। पूजा ऑयल डेली दिया करने के लिए यूज़ होता है। ड्राई स्नैक्स, पोहा, मोरी, मखना, बिस्किट्स, चना, ये सारा इमरजेंसी यूज़ के लिए लेकर रखो तो लॉकडाउन में कभी कभी टाइम पास के लिए अच्छा यूज़ हो जाता है। सैनिटाइज़र और हैंड वॉश मैंने लास्ट मंथ बहुत सारा लेकर रखा था, तो इस मंथ मैंने अभी ये ऐड नहीं किया है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कुछ सजेशन है तो वो भी ज़रूर कमेंट में बताना। ये राइस फ्लोर है और ये भी इंस्टेंट स्नैक्स बनाने के लिए बहुत यूज़ होता है। हैंड ग्लव्स अभी तो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसे तो हम कभी मुड़कर भी नहीं देखते थे, अभी तो ये हमारे लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। हैंड वॉशेस भी बहुत सारा लेकर रखा था तो इस मंथ में मैंने ऐड नहीं किया है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।